भी आना यहाँ चूल्हे में दाल तो ओटा चिट्टिया ले तो चूल्हे में दाल तो चूल्हा भी नहीं घास के अंदर ऊपर चला तो ओटा चिट्टिया में समझे नहीं ओढ़ डालो मेरे को कोई आना मेरे घर को हर एक के घर को सब कुछ सिखा दू कोई गली में बड़ा नहीं ओढ़ डालो बोल को आना उन्हों बरोबर में चूल्हे में दाल तू उनको ठहरा करके चला दू सामने समझे नहीं इतनी तकलीफ हो रही है बच्चे रोजारों को पानी लाने लगे कोई गली को है या मरे या जिंदे है खपे मुसलमानों को कोई कुत्ता नहीं पूछने लगा भी आता एमएलए आता कॉर्पोरेटर आते इन करा उन करा कोई नहीं कर रहे काम कोई ग्राउंड रियलिटी में आरेश नहीं रमजान में इससे तकलीफ कर रहे रोजे छोड़े हमें पानी की वास्ते बहुत तकलीफ है तो खमा पानी की है नहीं कुछ तो अभी दर्द नहीं है बच्चे रोजारों को पानी लाने लगे दो दो बजे रात को उठ को लाने लगे बच्चे एक नींद एक महीना हुआ पूरी नींद हराम है बच्चा की चार महीने से ला रही एक दिन नहीं दो दिन नहीं अब तो रमजान है ना रोजे रो को लाने लगे बच्चे सो रहे नहीं पानी ला रहे सही कर को नमाज पढ़ को सोने लगे बच्चा बदवा लगेंगे बच्चों की गरीबों की कोई हाई सवाला कोई आपको सामने ठहर को बनाते नहीं बोरिंग है कुछ तो भी दर्द नहीं समझते भुरका वड़ को कहा बेमानी दवा खाना कहा नहीं हमें भी भुरके भुरके वाले को पानी लाना ये गली में ना नल ला बोरिंग आखिर करना तो भी क्या कहीं एड़े घस को मरना और वही तो पाइपा फुट को गई कोई कुत्ता नहीं पूछने लगा पाइपा में का नाली में का पानी जाने लगे वही पानी हमें इस्तेमाल करने लगे कोई एक पाइप डाल रहा नहीं पाइप डालने की तो दूर की बात रही बना रहा नहीं अंदर मोटर हो तो कुछ चार महीने हुआ समझे नहीं हमारे को पानी की जल्द से जल्द बोरिंग बना को देना कहाँ आओ बोले वहाँ आता हूँ मैं भुरकावड़ को कोई भी नहीं तो मैं आता हूँ मेरे बहुत तकलीफ है पानी की नल है ना बोरिंग है मेरे को वार्ड नंबर 27 है ये बोरिंग का जो है तकरीबन तीन से चार महीने हो गया मोटर अंदर गिर गया वो रहे अभी इसको शफी भाई को जो यहाँ के जो इंचार्ज है मोटर रिपेयर के उनको बोले तो साहब अभी काम होने वाला है मोटर सेक्शन ये हो गई सो है और अप्रूवल हुआ सो है अभी तक मैं उनको एक डेढ़ महीने से उनके फॉलोअप में हूँ अभी तक ना उन्होंने कुछ इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना क्या कर रहे हैं अभी मोटर जो है तकलीफ बहुत है पानी की तकरीबन लेडीज़ पूरे लोग जो है परेशान है पानी तो बाहर से लेकर आ रहे हैं पहले तो रमज़ान है अब मोटर गिर गई पाइप निकाल के जो है 3 महीने हो गया फेंक के अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे इसका पाइपा वैसे ही पड़े हुए हैं पाइपा का कुछ ये नहीं है अभी ये मोटर क्या है बनाने का है अभी इसको कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा अभी वाटर बोर्ड का हमारे शफी भाई इंचार्ज है इसके रिपेयर के जो भी है इससे पहले एक बार दो बार रिपेयर करें उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी क्या है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उन्होंने भी साहब के पास वो अभी आना है लेटर नहीं महल्ले वाले की तरफ से सब जने जाके बोल रहे हैं कॉपरेट कर रहे हैं अभी करेंगे बोल रहे हैं फिर वो डिले कर दे रहे हैं उसको वार्ड नंबर 27 सात गुमस कले गली तकलीफ है ना नल का पानी है ना बोरिंग का पानी है और एकदम बोले तो नहीं बहुत तकलीफ है और बोले तो बच्चे रोजा रो को पानी लाने लगे और बोले तो अंदर मोटर गिरी है कोई काटने वाले नहीं आते ही देखते ही जाते ही कौन महल्ले में है या नहीं मरे खपे बोल को कोई एक जना दात ना फिर महल्ले में कौन बड़ा है कि कौन छोटा है कि कोई कुत्ता नहीं पूछता है बोरिंग को छोटे छोटे बच्चे रोजदारों को पानी लाने लगे बदवा लगेंगे इनको रोजदार बच्चे की ये सात गुमज कलाई गली 27 चार महीने से बहुत तकलीफ रखो पानी की भुरके उड़े उड़े को घड़े ऐसा गल्या गल्या ले को फिर हमारे पास ना बोरिंग का है ना नल का इतनी तकलीफ है हमारे पास पानी की बहुत तकलीफ है चार महीने से मुसीबत उठा रहे रमज़ान का महीना है रोजे भी रहे थोड़े फिर रमज़ान में इससे तकलीफ कर रहे रोजे छोड़े हमें पानी के वास्ते बहुत तकलीफ है तो हमारे को पानी की चार महीने से ख़राब है क्या बोले आप मेमोरेंडम मुझे थे खाली आती हैं बोली हूँ बोलती महिला के कोई भी बड़े हैं बोलती मगर आ रही बोली हमें बनाने आ रही हाँ ऐसा बोलती है मगर आते तो नहीं खाली आया को जाती मगर कोई भी ऐसा आ गया ठहर को बनाना करना ऐसा नहीं ये करते 27 17 दरगाह रोड सात घुमाज कलाई गली 17 वार्ड नंबर 27 नियर मोहम्मदी मस्जिद यहाँ पे लोगों को दो महीने हो गया बोरेल का प्रॉब्लम है अब चलते हुए कोविड को चलते हुए लोगों को बाहर नहीं आने की सलाह देती है गवर्नमेंट जबकि हम वाटर बोर्ड को कंटिन्यू टच कर रहे एक्शन प्लान रेडी हुआ इतना बजट ने 70 लाख का बजट रेडी हुआ
70 लाख हमारे पास पैसे नहीं है बोले, फिर उसको चेंज करके 60 लाख का डाले, 60 लाख भी हमारे पास नहीं है बोले, 30 लाख का भी बजट सैंक्शन करने के लिए डीसी ऑफिस को अप्रूवल गया बोले, अब वहाँ पे भी अभी काम नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या कर रहे, अभी आपको हम गवर्नमेंट को हम क्या करते, दो दिन का टाइम दे रहे, अगर दो दिन के अंदर अगर ये बोरिंग का काम नहीं होगा तो यही पूरे औरताओं को लेके हम पूरे कॉरपोरेशन ऑफिस को घेराव करेंगे। हाँ, कितना बोलना, बार बार एमपी आता, एमएलए आता, कॉरपोरेटर आते, इन करा उन करा, कोई नहीं कर रहे काम, कोई ग्राउंड रियलिटी में आरेश नहीं, जबकि पब्लिक को बहुत तकलीफ है। यहाँ कले गली का एक, ये आपसे नहीं, 10 साल से मसला चलता, हर नल का तो पानी तो पूछो मत, यहाँ नल का पानी टोटली नहीं है, बोरेल का पानी है, बोरेल वो भी 2 महीने से बंद है, आखिर जाए तो ये लोग कहाँ जाए, रोज़ा है, अभी 10 दिन के अंदर रमज़ान है, रमज़ान में हम लोग नमाज़ पढ़ना क्या, खाली पानी भरते फिरना। ये गवर्नमेंट बहुत बेकार गवर्नमेंट है, तो हम ये गवर्नमेंट को क्या बोल रहे, वाटर बोर्ड वाले अगर आप 2 दिन में अगर हमारा का डिमांड पूरी नहीं करे, मैं पूरी यहाँ की जनता को लेकर कॉरपोरेशन ऑफिस का घेराव करने वाला हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी सिटी कोऑर्डिनेटर शेख मुनीर। मोटर गिर के अंदर निकालते हो आप, निकालते हो, जब निकालते हो आती मोटर निकालते नहीं, बनाते नहीं, आपको पाइपा निकाल को बाहर फेंको गए, पानी की इतनी तकलीफ हो रही, ऑफिस को जा रही हमारे आदमी, आप बनाते हो, जब बनाते हो बोल रही बना रहे नहीं, उसको आपको देख रही नहीं कोई भी, इतनी परेशानी है, पानी पूरा बेमानी दवाखाने के पास ढो रही, हम लेडीज लोग पूरे 3-3, 4-4 जने को आमने सामने हो, ये रमज़ान का महीना है पूरा, कैसा कर रही क्या नहीं वो हमारे कुछ मालूम है, रमज़ान रोज़ों में और क्या है मालूम, इसको जल्दी से जल्दी बोरिंग बनाने की कोशिश करो, बना को लाओ जल्दी, हमारा मोटर आप डालती जब आती बोलती आतिश नहीं डाले नहीं समझो, ऐसा 7 गुम्बज कली गली वार्ड नंबर 27 इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करना बोरिंग को, ये हाँ डाल लेके जाना, मोटर आप गिरी जब गिरी पानी में गिरती मोटर को देखती मोटर में पाइप डालती निकालती छोड़ जाती वैसी देखो भाई हमारे पानी का जरूरत बहुत ज़रूरत है, पानी की बहुत तकलीफ है इधर हमारे पास, हाँ नहीं तो मोटर निकाले के जाके जल्दी से जल्दी ला के बिठाना।